वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच होने वाला है मेलबोर्न सिटी वर्सेस पर्थ ग्लोरी के बीच 57 मिनट के बाद। तो बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। एंड गाइज, यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, बी अवेयर फ्रॉम एन अदर फेक चैनल्स फ्रॉम माई नेम। और चलते हैं आगे, बात करूँ मैं इस मैच की, तो यहाँ पर मेलबोर्न सिटी ये मैच जीत सकती है, बट पर्थ ग्लोरी को थोड़ा यहाँ पे डाउन खेलना पड़ेगा। बट देखो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे अगर पर्थ ग्लोरी ने जीतना होगा तो वो भी जीत के दिखाएगी, लेकिन मैं जिसके फेवर में हूँ वो है मेलबोर्न सिटी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ गोल कीपर की, देन यहाँ पे लूँगा ब्रैडले जॉन्स को। ब्रैडले जॉन्स ने पिछला मैच नहीं खेला था, इसकी जगह खेला था सी कुक। तो देखते हैं दोनों में से जो भी खेला, यू हैव टू ट्राई दैट। अभी आप कुक को ट्राई कर लो, कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड आगे से बात करूँ गुड की, देन यहाँ पे लूँगा सी गुड को। देन देखो, सी गुड को ड्रॉप करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं, तो सी गुड को गलती से भी ड्रॉप करने की मन में मत सोचना, तो आपको बता दूँ। एंड आगे से बात करें एस जेमिसन की, देन यहाँ पे लूँगा स्कॉट जेमिसन को। स्कॉट जेमिसन एंड सी गुड दोनों लगभग एक जैसा ही खेलते हैं, लेकिन जो फोर्थ एंड थर्ड डिफेंडिंग में सबसे ज़्यादा पिछले सीजन गोल किए थे जिसने डिफेंडिंग ऑप्शन के अंदर, वो है ये वाला प्लेयर स्कॉट गैलोवे। स्कॉट गैलोवे इस सीज़न थोड़ा फ्लॉप है, नहीं तो ये इस जैसा प्लेयर नहीं होता था। हर बार ना दिल में ऐसा लगता था कि गोल ना कर दे, जबकि एक डिफेंडर है, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना बहुत बुरी बात होती है। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ ना आपको, आप मतलब मैं आपको मुँह से बयान नहीं कर सकता, इसलिए मैं गैलोवे के फेवर में हूँ। एंड आगे से बात करें लैचमैन की, देखो यहाँ पर डैरिल लैचमैन को लेना पड़ेगा, क्योंकि पर्थ ग्लोरी का अगर आप कोई मिडफील्डर लेते हो और वो जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाता है या फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन डिफेंडिंग में आपको इतना पता है कि प्लेयर कुछ करे ना करे, बट ई वॉज मेन प्लेयर एज यू नो। एंड आगे से बात करें मेटकेल्फ की, तो यहाँ पर लूँगा मेटकेल्फे को। देखो, कॉनर मेटकेल्फे ने फर्स्ट मैच में गोल किया, आई एग्री, बट लोगों ने वाइस कैप्टन तो नहीं रखा। देखो सीधी बात है, सेकंड मैच में सारे लोगों ने वाइस कैप्टन इसको इसलिए रखा क्योंकि उसने फर्स्ट मैच में गोल किया और सेकंड मैच में तो इसने ट्राई भी नहीं किया गोल का। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी भी एक मैच से जज नहीं करना चाहिए। जब तक प्लेयर 4-5 मैच कॉन्टीन्यूसली अच्छा परफॉर्म ना कर दे, तब तक आप जज नहीं कर सकते प्लेयर को कि यार गोल कर देगा नहीं करेगा। नहीं करना भी नहीं बोल सकते, करना भी नहीं बोल सकते। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट मैन की, डैनियल स्टेन्स को लूँगा। डैनियल स्टेन्स मुझे पिछले सीज़न अच्छा लग रहा था, इस सीज़न 2 बार शूट किया इसने पिछले मैच के अंदर, बट मतलब शॉट ऑन टारगेट के दौरान इस गोल हुआ नहीं। एंड लैकी की बात करूँ, लैकी को मेरे को लगा था पेनल्टी दिलवाएंगे, लेकिन इन्होंने पिछले मैच में पेनल्टी टेकर रखा। मैं आपको बताता हूँ, आई मैं नाम भूल गया हूँ उसका, हाँ ये रहा इनका पेनल्टी टेकर जिसका नाम है मार्को टिलो। मार्को टिलो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसने एक मैच खेला था जो ऐड नहीं हुआ था, उसके अंदर इसने पेनल्टी मिस कर दिया, आई डोंट नो वाई। इसलिए मैं तो होता तो भाई लैकी के साथ ही प्रेफर करता। और आगे से बात करूँ नेबॉथ की, देखो नेबॉथ एंड ऊपर से जे मैक्लेरन। मैक्लेरन अपनी ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम से खेलता है, तो मैक्लेरन का तो लेवल ही अलग है। मैक्लेरन तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने खेल चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैक्लेरन को पूरी टीम से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं मेलबोर्न सिटी में जो इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं, जबकि नेबॉथ की अगर बात करूं तो नेबॉथ भी कई बार एज अ सब्स्टिट्यूशन गेम में आ चुका है। तो नेबॉथ एंड मैक्लेरन आर बोथ आर मेन प्लेयर्स। एंड बी फॉर्नली की बात करूं, फॉर्नली ने इस सीज़न अगर देखा जाए तो मेलबोर्न विक्ट्री एंड ADL को गोल लगा दिया। तो देखा जाए तो 3 मैच में 2 गोल का रेशियो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि गोल ज़्यादा होने चाहिए, मैं ये कहता हूँ गोल होने चाहिए भले ही कम हो। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मैक्लेरन, वाइस कैप्टन है एम लैकी। तो ये टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।